15 अगस्त के जश्न के मौके पर दिल्ली का रायसीना हिल्स अब एलईडी की रोशनी से जगमगा रहा है। अब रोशनी भी ज्यादा है और बिजली की बचत भी। आजादी के पर्व 15 अगस्त का जश्न अभी से शुरू हो चुका है। दिल्ली की सबसे वीवीआईपी इमारतें रोशनी में नहा रही हैं। जगमगाता नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाउस संदेश दे रहा है कि गुलामी की रात दशकों पहले पीछे छूट गई है। अब नया सवेरा है जहां सिर्फ विकास की रोशनी है। जी हां, और दिल्ली को रोशन करने के तरीके में अब बदलाव भी आ गया है। सामान्य बल्ब की जगह एलईडी लाइट्स ने ले ली है। आपको तस्वीरों में फर्क नजर आ रहा होगा। पहले हजारों सामान्य बल्ब से रोशनी की जाती थी जिससे पीली रोशनी होती थी, लेकिन अब एलईडी से उजाला फैलाया जा रहा है जो दूधिया रोशनी बिखेर रहा है। इस बदलाव के पीछे वजह बिजली की बचत और साथ ही खूबसूरती में इजाफा। राष्ट्रपति भवन और आसपास की वीआईपी सरकारी इमारतों पर करीब 24,000 एलईडी लाइट्स लगाए गए हैं। हर बल्ब 3 वाट का है और उनकी रोशनी भी सामान्य बल्ब से ज्यादा है। इससे पहले करीब 22,000 सामान्य बल्ब का इस्तेमाल होता था और हर बल्ब 25 वाट का था, यानी एलईडी के मुकाबले ज्यादा बिजली की खपत। हजारों बल्ब को 5 से 7 दिन तक जलाया जाता था जिसमें बिजली की खपत ज्यादा होती थी। सामान्य बल्ब की तुलना में एलईडी बल्ब ज्यादा टिकाऊ भी हैं, क्योंकि 15% सामान्य बल्ब हर साल बर्बाद हो जाते थे। अब इस नए बदलाव में रोशनी भी ज्यादा है और उम्मीद भी। दिल्ली से मणिदीप शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।